इक्विटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इक्विटी में मैंने तीन बताया, जू प्लैंकटन कैसा होता है, जू प्लैंकटन वैसा होता है जो पानी के करंट के अकॉर्डिंग चलता है, पैसिवली चलता है, उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होता है। जू प्लैंकटन बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी में रहता है, छोटी छोटी मछलियां होती है ना उसी को खाती है। जू प्लैंकटन के बाद नेक्स्ट आया हमने क्या पढ़ा था, नेक्टन। नेक्टन उसको बोलते हैं जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं या फिर बड़े जीव जंतु जिनमें एक्टिवली वो पानी में मूव करे, पानी के करंट के अकॉर्डिंग नहीं, पानी के अगेंस्ट के करंट के अकॉर्डिंग। मछली होता है तो मछली किधर भी चल सकता है, इधर भी पानी के करंट में अगेंस्ट भी चलेगा, कहीं भी चला जाएगा। तो बड़े बड़े फिश, शार्क, बोनी फिशेज जितने भी बड़े हो जाएंगे ये सारे वो कहलाते हैं नेक्टन, ये पानी वाले जीव है। बेंथम कौन होता है बता सकते हैं, जो सबसे बॉटम पे है, सबसे डीप में, वो बेंथम होता है। तो मैंने एक्वेटिक पढ़ा दिया। अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल आर। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है हु लिव ऑन लैंड, क्या बोल सकते हैं इसको, हु लिव ऑन लैंड, जो जमीन पे है, स्थल पे है, स्थलीय जीव, ठीक है ना, जो जमीन पे है, स्थल पे है, उसे स्थलीय जीव बोलते हैं। इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, सबसे पहले है कुर्सोरियर, क्या बोलते हैं उसको, कुर्सोरियर। ये रन फास्ट, ये बहुत तेजी से दौड़ने वाले जानवर होंगे, एग्जांपल में कंगारू और डॉग, उसको क्या नाम दिया गया, कुर्सोरियर, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है फोसोरियर, फोसोरियर उनको बोलते हैं जो बिल में रहते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं, ठीक है ना, बिल खोल के जो अंडरग्राउंड में रहेंगे उनको बोलते हैं फोसोरियर। ये हो जाएगा अर्थवर्म और रैबिट। अर्थवर्म का मतलब होता है केंचुआ, जो होता है ना केदी, ये छेड़ा जिसको बोलते हैं, अभी बारिश के समय मुंह नजर आएगा आपको, ठीक है, अर्थवर्म और रैबिट ये सब फोसोरियर होते हैं। गंदा लगता है दिखने में बट बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए फायदेमंद है क्योंकि वो जितना खाता है उसे 10 times निकालता है, तो ये फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा इसे, है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं उसे, क्योंकि जितना खाता है उससे ज्यादा निकालता है, कितना निकालता है 10 times ज्यादा, खाएगा 1 times निकालेगा 10 times। इसका मतलब है कि वो मैन्योर बनाता है, कहते हैं ना कि जो डंग वंग होता है या जो भी ये चीज होते हैं वो फर्टिलाइजर के रूप में काम आते हैं। तो ये जो होता है अभी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी कंपोस्टिंग इसी को बोलते हैं, बहुत ट्रेंड पे चल रहा है अभी मार्केट में, वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है, कंपोस्ट जो मैन्योर एक तरीके से खाद या फिर जो कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट की वजह से जो खेत में छिपने से, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं ना, वो इसी टाइप से होता है। ओके, आते हैं अर्बोरियल। अर्बोरियल वैसे होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, लिव्स ऑन ट्रीज, ठीक है ना, अर्बोरियल उनको बोलते हैं जो पेड़ पेड़ पे रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे बैट और मंकी, चमगादड़ हमेशा पेड़ पे रहता है, मंकी भी पेड़ पे रहता है, मोस्टली पेड़ पे रहता है, बहुत कमी नीचे आता है मंकी। चौथा है एरियल एंड फ्लाइंग। एरियल का मतलब होता है हवा में उड़ने वाला, ठीक है ना, फ्लाइंग का मतलब उड़ने वाला। इसमें आ जाएंगे बर्ड्स और बैट्स, बैट विंग इंसेक्ट, ठीक है ना, बैट विंग इंसेक्ट यानी जिनमें पंख होगा वो उड़ते हैं और जो उड़ेंगे उनको बोलेंगे अर्बोरियल, जो पेड़ पे रहेंगे उनको बोलेंगे, जो उड़ेंगे उनको बोलेंगे एरियल, जो पेड़ पे रहेंगे उनको बोलेंगे अर्बोरियल, जो जमीन को खोद के रहेंगे छेद में उनको बोलेंगे फोसोरियल, और जो जमीन पर रहेंगे और बहुत तेजी से दौड़ेंगे उनको बोलेंगे कुर्सोरियल, क्या बोलेंगे कुर्सोरियल, परेशानी क्या नहीं। अब यहाँ पे मेन चीज आने वाला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, तो जब स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे ना बच्चा, तो स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का जीव जंतु मिलेगा, यानी ए सेलुलर हो सकता है और सेलुलर हो सकता है। सेलुलर कहने का मतलब अमीबा, अमीबा समझते ना, अमीबा एक सेल का जानवर होता है, ठीक है, अमीबा जब एक सेल का जानवर होता है तो वो सारी चीज वही करता है, वो एक सेल करता है, उसका रेस्पिरेशन भी करेगा, उसका एक्सक्रीशन भी करेगा, उसका फूडिंग भी करेगा, वो डिवाइड भी होगा, सारे काम की एक सेल। लेकिन जैसे जैसे अगर कोई सेल कॉम्प्लेक्स होते चले जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा यानी जटिल बनते जाता है, तो उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अलग होते जाते हैं, उनका लेवल ऑफ वर्किंग पावर भी अलग होते जाता है और वो सिस्टमेटिक ढंग से काम करने लगता है, ठीक है, परेशानी। अब मैं वो सिस्टमेटिक ढंग से कैसे काम करता है मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेल्स इन एनिमल बॉडी आर सेवरल टाइप। हमारे जो शरीर में, कोई भी एनिमल के शरीर में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, एंड आर ऑर्गेनाइज इनटू द फंक्शनल यूनिट, उसी को फंक्शनल यूनिट के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी हर एक सेल हमारे शरीर में
जितने भी सिस्टम है ना सबका एक फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा सर नर्वस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। परेशानी क्या? नहीं ना, ये चीज यहाँ पे देखा गया। अगर हम किडनी बात करें तो किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। ये सब बातें चलेंगी आगे जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो जब ह्यूमन फिजियोलॉजी चलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके नीट के लिए और एग्जाम बोर्ड के लिए भी। ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। यही फंक्शनल यूनिट धीरे धीरे आगे जाके ये कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता में जाता है, और फिर आगे जाके जो भी ऑर्गेनिज्म है ए सेलुलर से मल्टी सेलुलर में, और मल्टी सेलुलर से वो बहुत ही टिश्यू फिर ऑर्गेन सिस्टम बन जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट लाइन में कि इट इज ऑफ फाइव टाइप। ये पांच टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले होता है ए सेलुलर। क्या होता है? ए सेलुलर। फिर ए सेलुलर से क्या बन गया? सेलुलर, यहां से डेवलप करके। फिर सेलुलर से क्या बन गया? टिश्यू, ये टिश्यू लेवल का। फिर टिश्यू के बाद क्या बन गया? ऑर्गेन। फिर ऑर्गेन के बाद क्या बन गया? कंप्लीट ऑर्गेन सिस्टम। और ये ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? एक बॉडी बनाता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है। किसका होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। हाँ, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। जैसे सेल, जब सेल एग्रीगेट होता है तो टिश्यू बना, टिश्यू एग्रीगेट होता है तो ऑर्गेन बना, ऑर्गेन जब साथ में मिलता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेन तो ऑर्गेन सिस्टम बना, और फिर एक ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आई एम द ऑर्गेनिज्म, मैं एक जीव हूं और मेरे अंदर पूरा सिस्टम है। मेरे अंदर नर्वस सिस्टम है, मेरे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है कि नहीं? पूरा सिस्टम का जीता जागता सबूत है आप लोग। और नॉट ओनली अस, द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल हु लिव ऑन द लैंड, हु लिव ऑन द वाटर, सभी के पास एक सिस्टम मौजूद है। जिसके पास नहीं है वो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे? ए सेलुलर और सेलुलर ग्रेड के। सेलुलर ग्रेड के भी ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके पास भी सिस्टम होगा, लेकिन एक ही सेल परफॉर्म करेगा। अमीबा के बारे में बात करें, अमीबा खाना खाता है, अमीबा एक स्पीशीज भी करता है, व्यर्थ पदार्थों को निकालता भी है, अमीबा डिवाइड भी होता है, इसलिए अपने आप में ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। तो ये बाइनरी फेज है। तो ये सारी जितनी भी चीजें कर रहा है ना ये अमीबा, ये ए सेलुलर होते हुए भी सब चीज कर रहा है, और हम लोग मल्टी सेलुलर होते हुए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेन और टिश्यू अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारा जो नर्वस टिश्यू है और जो नर्वस सिस्टम है वो स्पेशल काम के लिए है, जो कि वो काम करेगा ब्रेन से रिलेटेड, करेंट पहुंचाने से रिलेटेड, चीजों को सोचने से रिलेटेड। हमारा जो किडनी है उसका स्पेशल काम है कि वो एक्सक्रीशन करेगा। ये किडनी जो है ब्लड सर्कुलेशन का भी नहीं कर सकता है, क्या करेगा? केवल एक्सक्रीशन करेगा, यानी शरीर से गंदे पदार्थों को ये छानेगा और फिर उसके बाद निकाल देगा। जबकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या काम क्या करेगा? ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाएगा। हर एक सिस्टम का अलग अलग काम। बात क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से? इसीलिए अब हम बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चैनल्स है जिसे हम लोग पढ़ेंगे कि एक बॉडी में क्या क्या मौजूद होता है, एक बॉडी में किस किस तरीके से हम बॉडी को पहचान सकते हैं, किस किस तरीके से बॉडी को हम लोग पढ़ेंगे, ये चीज है। सबसे पहले बॉडी सिमेट्री होता है, ठीक है? ये जो बॉडी सिमेट्री है, कहने का मतलब कि ये कोई भी जीव को जब हम लोग, सिमेट्री का मतलब होता है कट, काटते हैं तो किस भागों में कट सकता है वो। कोई बॉडी दो भागों में कट सकता है, कोई बॉडी बहुत सारे हाथ में कट सकता है, और कोई बॉडी कट ही नहीं सकता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? बाउंस ने किया, यानी जब हम किसी बॉडी को दो भागों में इक्वली काट देंगे, जैसे डिटेल में बताऊंगा, तो उसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। एक बॉडी को बहुत सारे भागों में इक्वली काटेंगे तो वो बन जाएगा रेडियल सिमेट्री, जैसे स्टारफिश। और कोई बॉडी अगर इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं तो वो कहलाएगा एसिमेट्री, जैसे स्नेल। स्नेल को किधर से भी काटोगे ना तो वो इक्वल नहीं कटेगा, वो अनइक्वल ही रहेगा। स्नेल का मतलब घोंगा, समझते हो ना? घोंगा अभी के समय में चलेगा मिट्टी के बहुत सारा, वही चीज होता है। नेचर ऑफ सीलोम, हमारे बॉडी में तीन प्रकार का सीलोम होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं शुरुआत से लेके, यानी सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक। एक होता है ए सीलोमेटा, सीडो सीलोमेटा और ट्रू सीलोम पाया जाने वाला, मैं इसे बताऊंगा। सीलोम जो होता है वो बॉडी कैविटी होता है, हमारे बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी होता है उसे हम लोग सीलोम बोलते हैं। तीसरा है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान करने का मतलब ब्लाइंड साइड प्लान है, या फिर माउथ से लेके एनस तक जो है उसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। हाँ, माउथ टू एनस, यानी माउथ से भोजन की एनस से बाहर निकला तो एक ट्यूब विद इन ट्यूब, इसमें हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ईयर में। किसी किसी में ये नहीं होता है, जब सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन के बॉडी में देखिएगा, जानवरों को पढ़िएगा तो ये नहीं मिलेगा।
अगला है चौथा पे पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी कैसा है, यानी बॉडी सेगमेंट मेटामेरिक है ठीक है ना, या अनमेटामेरिक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी एक बॉडी दूसरे वॉल से जुड़ा हुआ है, जैसे अर्थ फॉर्म में देखिएगा ऐसे जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई एनिमल है इसको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के आधार पर पहचानना है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे दो चीजों को बांटते हैं, कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा। जो जिसमें ये नोटोकॉर्ड मौजूद होगा वो बनेगा कॉर्डाटा, जिसमें नहीं होगा वो बनेगा नॉन कॉर्डाटा। और इसी के बेसिस पे फिर दो जीव जंतु और अलग बढ़ते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो वो सब हायर क्लास में पढ़ना है, थोड़ा बहुत इसमें जानकारी लेनी है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास के इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सिमेट्री कैसे क्या होता है कंप्लीट। आपके बुक में ये है एनसीईआरटी में, इसको पढ़ते रहिएगा और जानते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया अच्छे से? ये टॉपिक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से समझा। आई होप ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया हो और ऐसा लगता भी है। अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो प्लीज से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।